अपने साथी का अंजाम देख लिया तुम लोगों ने। याद रखो, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं। हवा भी यहाँ से हमारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो बाहर निकालो हमको और फिर देखो। रोज ऐसा ही होता है, कोई ना कोई भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। अरे यार, वो बदनसीब तो भागते हुए मारा गया, मगर हमारा एक गुलाम कम हो गया, यानी कि हमारी आमदनी कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, जितने ज्यादा गुलाम उतनी ज्यादा दौलत। मेरा तो जी चाहता है कि सारी दुनिया को गुलाम बना लूं, गुलाम। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये अपना सरदार हारिस एक न एक दिन ये काम भी कर दिखाएगा। अच्छा हारिस, ये बताओ कि इस बार तुमने कितने गुलाम पकड़े? हमारे आदमी उनको लेकर आते होंगे, तुम खुद देख लेना। खाने पीने और मौज उड़ाने का सामान। हारिस, अगर किसी चीज की कमी हो तो बता देना। हाँ, आपके होते हुए किस चीज की कमी हो सकती है? नहीं नहीं, ये कहो कि गुलामों के होते हुए किस चीज की कमी हो सकती है? ये ठीक है, खुदा गुलामों और गुलामी को सलामत रखे। अच्छा सरदार, अब हमारे गुलाम हमारे हवाले कर दो और अपना सामान संभालो। आपके गुलाम तैयार हैं, मैंने उन्हें जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद करवा दिया है। ठीक है ठीक है, अब तुम हमारे साथ चलकर शहर की सरहद तक हमें पहुंचा दो। जरूर जरूर, हम और हमारे साथी आपके साथ चलेंगे, मगर पहले अपने गुलामों को तो देख लीजिएगा। उन्होंने हमारी आजादी छीन ली और इस पिंजरे में कैद कर दिया। अब हमारी किस्मत में नीलामी लिखी है, कोड़े लिखे हैं। ये लोग हमको बेच डालेंगे, हमारी नीलामी होगी। तुम तो उड़ने से पहले ही थक गए, तो क्या करें? इन सलाखों से सर टकरा टकरा कर मर जाए। अगर सीने में आग है और खून में गर्मी है तो ये सलाखें भी पिघल सकती हैं। जिनकी किस्मत में गुलामी लिखी होती है वो कभी भी आजाद नहीं हो सकते। अब तो सिर्फ मौत ही हमें आजाद कर सकती है। दुनिया की कोई भी जंग हथियारों से नहीं बल्कि इरादों और हौसलों से लड़ी जाती है।
जो लोग मैदान में उतरने से पहले ही अपना जी छोड़ देते हैं वो अपनी जंग लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। मगर हमारे बाजू शल हो चुके हैं, हम अब कोई जंग नहीं लड़ सकते। इन जालिमों ने हमें कुचल कर रख दिया है, अब हम कभी आजाद नहीं हो सकते। हमारा हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हाँ हाँ, उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया है, मगर अब भी हमारे पास एक चीज बाकी है, वो है हमारे ख्वाब, जिंदा रहने और आसमान छू लेने की तमन्ना। हम लोगों की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। ये तुम्हारा ख्याल है, सिर्फ तुम्हारा, इसलिए क्योंकि तुम डरे हुए हो और इसी डर और खौफ ने तुम्हें बुजदिल बना दिया है। और ये लोग चाहते ही है ये कि तुम बुजदिल बने रहो, कांपते रहो, ताकि ये तुम पर हुकूमत करते रहे। मगर उनके पास फौज है, ताकत है, कानून है। और तुम्हारे पास उनसे भी बड़ी ताकत है, तुम्हारे इरादे, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा इत्तेहाद, तुम्हारी सच्चाई। मगर इससे क्या होगा? याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखो, झुके हुए सर और मायूस इरादे कभी आजादी का ख्वाब नहीं देख सकते। तो फिर हम क्या करें? तुम में से हर इंसान के सीने में एक छोटी सी चिंगारी है, उस चिंगारी को शोला बना लो तो तुम्हारी रगों में बहता हुआ लहू लावा बनकर फूट पड़ेगा और आजादी तुम्हारे कदम चुमेगी और हम सब आजाद हो जाएंगे। आजादी तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी, मगर मौत के बाद। इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन इतना याद रखो, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। ये बहुत जीवट और बहादुर जवान है, इसकी कीमत कस के वसूल करना। इसका अंदाजा तो इसकी बातों से हो गया, बाकी फैसला उस वक्त होगा जब हम इसकी बहादुरी को अपनी चाबुक की तेजी से आजमाएंगे। आजमा लेना, आजमा लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। अगले महीने दुनिया के हर मुल्क का सरदार सौदागर मिस्र में जमा होगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गुलामों की जरूरत होगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी चारों ओर फैला दूंगा। मगर मगर क्या? मगर जनाब, जमाना बदल गया है, अब सिर्फ अनाज से काम नहीं चलेगा बल्कि कुछ नकदी की भी जरूरत होगी। वो भी मिलेगी। वो भी मिलेगी। लगी है, पानी दो। पानी शहर जाकर मिलेगा। लेकिन मुझे पानी चाहिए। कहा ना नहीं मिलेगा? अबे बंदर, अगर तूने पानी नहीं दिया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मुझे बंदर कहा? हाँ, तू बंदर, तेरा बाप बंदर, तेरा पूरा खानदान बंदर। अब अगर तूने कुछ कहा तो ये तलवार भोंक दूंगा। अबे जा जनखे, तू क्या तलवार चलाएगा? तूने मुझे जनखा कहा? हाँ हाँ, जनखा जनखा जनखा। देख लूंगा तुझे। क्या हुआ? एक मामूली सा गुलाम
अपने आप को न जाने क्या समझता है? क्यों, क्या हुआ? अरे उसने मुझे बंदर कहा, जंका कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। उस गुलाम ने तुम्हें बंदर कहा और जंका भी? हाँ। बड़ा खराब आदमी है, कम से कम तुम्हारे मुंह पर तो उसे सच नहीं बोलना चाहिए था। क्या बकते हो, मैं तुम्हें भी देख लूंगा। तुम क्या कर रहे हो सिंबाद? हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें शहर में दाखिल होने से पहले आजाद हो जाना चाहिए। आजाद हो जाना चाहिए, मगर ये कैसे होगा? तरीका मैंने सोच लिया है, कुशवान के पास इस पिंजरे की चाबी है, वो मैं हासिल कर लूंगा। मगर ये नामुमकिन है। जब तक हमें हौसला है, बाजुओं में ताकत और जुबान पर अल्लाह का पाक नाम है, हर काम मुमकिन है। तुम लोग देखते जाओ अल्लाह किस तरह हमारी मदद करता है। ये आवाज कैसी? दहशत से साबित कदम रहना, यूं ही देखो तुम हिम्मत से। बंदो नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान का टकराएगा मौला की ताकत से, मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। बंदों नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान क्या टकराएगा मौला की ताकत से, मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। अंधेरों से निकलेगा उजाला, आबे हयात बन जाएगा जहर का प्याला। तू चाहे तो अंधेरों से निकलेगा उजाला, आबे हयात बन जाएगा जहर का प्याला। तूने अपने बंदों को हर कदम पे संभाला, पैगंबरों को भी तूने मुश्किल से निकाला। ऐ मालिक जिंदा रखना तू दुनिया में इज्जत से। मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। Thank you.
जख्मों से चूर है, बंदे तेरे लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। तकलीफों से दो चार हैं, जख्मों से चूर हैं, बंदे तेरे लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। अंगारों पे चलते हैं और मंजिल से दूर हैं, दुश्मन से लड़ सकते नहीं, कितने माजूर हैं। बैठे हैं आस लगाकर मालिक तेरी अजमत से, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। रहे हैं हम बंदों की हालत पर, हमको भरोसा है मगर कलमे की बरकत पर। शैतान हंस रहे हैं हम बंदों की हालत पर, हमको भरोसा है मगर कलमे की बरकत पर। हमको तो मौला नाज है ईमान की दौलत पर, पछताएंगे पछताएंगे शक जो करेंगे तेरी वहदत पर। हम कर दे माला माल आजादी की नमत से, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। बंदों नहीं घबराना तुम जालिम की दहशत से, साबित कदम रहना यूं ही देखो तुम हिम्मत से। शैतान का टकराएगा मौला की ताकत से, मायूस मत होना कभी तुम उसकी रहमत से, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर, मेरे अल्लाह मदद कर, मेरे मौला मदद कर। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।